वहीं अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में बुधवार को भीषण लैंडस्लाइड हुई। इसके चलते नेशनल हाईवे 33 का बड़ा हिस्सा ढह गया। लैंडस्लाइड से चीन सीमा से लगे दिबांग वैली जिले का संपर्क कट गया है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि दिबांग वैली को पूरे देश से यही हाईवे जोड़ता है, इसलिए संपर्क तुरंत जोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक दिबांग वैली में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। हुनली और अनीनी के बीच हाईवे 33 का काफी बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में ढह गया है। हाईवे की मरम्मत के लिए टीम भेजी गई है। अधिकारियों ने कहा कि अभी खाने और अन्य जरूरी चीजों की किल्लत नहीं है। NH-33 को दिबांग वैली के निवासियों और आर्मी के लिए लाइफ लाइन माना जाता है।